नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक सेवर टीवी पे। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टेक टॉक का एपिसोड 2। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो न्यूज आता है वो आता है एयरटेल से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रिलायंस जियो ने एयरटेल के ऊपर ये केस किया है कि अकॉर्डिंग टू ट्राई जो है तो जियो इंडिया का फास्टेस्ट 4G नेटवर्क है। और एयरटेल ने ये क्लेम किया है कि उकला जो ऐप है नेट स्पीड कैलकुलेट करने का, उसके हिसाब से एयरटेल फास्टेस्ट नेटवर्क है। तो जियो ने ये क्लेम किया है कि एयरटेल ने उकला को पैसे दिए हैं ये गलत रिजल्ट लोगों को दिखाने के लिए। तो उसके बाद दोस्तों एयरटेल ने अभी उसको उस चीज़ को टक्कर देने के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है कि वो अपने सारे कंज्यूमर्स को 1 GB का फ्री 4G डेटा दे रहे हैं। दोस्तों हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे एयरटेल का 4G अवेलेबल है और आपके पास एक 4G हैंडसेट है दोस्तों, तो सबसे पहले आप जाइए, फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए 521-22 पे। तो दोस्तों आप जैसे ही कॉल करेंगे तो कुछ ही घंटों के अंदर आपके फ़ोन में 1 GB का जो फ्री डेटा है 4G वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसका अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं आया है, फिर भी दोस्तों रिस्क मत लीजिए। अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो आज ही जाइए और इस 1 GB फ्री डेटा का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों दूसरा जो न्यूज़ आता है वो आता है जियो की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जियो ने अपने वेलकम ऑफर और हैप्पी न्यू ईयर ऑफर से अपना 10 करोड़ लोगों का सब्सक्राइबर बेस बना लिया था और उसके बाद वो जियो प्राइम ऑफर लेके आई ताकि लोग एक साल और यही नेटवर्क से अपना 4G यूज करें। लेकिन दोस्तों अभी तक सिर्फ 20 से 27% लोगों ने ही जियो का प्राइम मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और बाकी 80% लोगों ने अभी तक जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है दोस्तों। तो इसलिए शायद यह भी पक्की खबर नहीं है, लेकिन रिलायंस शायद 30 अप्रैल तक प्राइम रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दे। तो अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो आपको मिल जाएगा पूरे अप्रैल मंथ के लिए 4G डेटा जियो से, जैसे कि अभी आपको मिल रहा है वैसे ही फ्री मिलता रहेगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि 1 महीना और एक्सटेंड करें ताकि आप लोग को और 1 महीना टाइम मिल जाए प्राइम मेंबरशिप के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज पे। दोस्तों तीसरा जो न्यूज आता है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स पार्क वीडियो एक नया सेट 4G लॉन्च हो चुका है स्नैपडील में 24 मार्च को। तो दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है 1 GB का रैम, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज, 5 MP रेयर कैमरा, 2 MP का फ्रंट कैमरा और आपको दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है 1.1 GHz का। और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आता है 4499। तो दोस्तों अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस फोन को मत खरीदिए, बहुत ही बेकार फोन है। इतने खराब स्पेक्स है इसका मतलब आप चला ही नहीं पाएंगे फोन को, तो मेरे हिसाब से आप ये फोन मत लीजिए। दोस्तों इस रेंज में आपको अच्छा है आप थोड़े और पैसे जुगाड़ करके रेडमी 4A ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फोन है, इससे तो एटलीस्ट बहुत बेटर। और तो और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो भी फुल HD नहीं है या फिर HD भी नहीं है, FWVGA का डिस्प्ले है। आपको डिस्प्ले भी उतना खास नहीं है तो आप ये फोन मत लीजिए दोस्तों। आपको अगर फोन लेना है तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, मेरे नेक्स्ट न्यूज में मैं आपको ऐसे फोन के बारे में बताऊंगा जिसका प्राइस रेंज भी बहुत ही अच्छा है और इससे तो एटलीस्ट बहुत बेटर है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज। दोस्तों ये न्यूज आता है Zen कंपनी की ओर से। Zen ने अपना Admirer का जो मॉडल है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी स्पेक्स कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो फुल HD है, स्नैपड्रैगन का 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, 1 GB का रैम मिलता है आपको दोस्तों, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और दोस्तों 4G वोल्टी सपोर्ट मिलता है। और इसका प्राइस है दोस्तों 4990 और इसका कैमरा भी आपको 5 MP बैक में मिलता है और 2 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोमैक्स का जो स्पार्क वीडियो है उससे ये बहुत ही अच्छा है। सिर्फ 500 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और आपको डिस्प्ले भी HD मिलता है, 4G वोल्टी मिलता है, हालांकि वोल्टी शायद इसमें मिलता होगा वो अभी तक मुझे नहीं पता। और दोस्तों इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, 1.3 GHz है, क्वाड कोर है। तो अगर आपको लेना है 5000 के अंडर में तो ये फ़ोन लीजिए, बढ़िया है। एटलीस्ट माइक्रोमैक्स पे तो आप प्लीज़ मत जाइए, बहुत ही घटिया फ़ोन है। तो चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। दोस्तों अगला जो न्यूज आता है वो आता है सैमसंग की ओर से। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस रिलीज होने वाली थी 28 मार्च को न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका में। तो दोस्तों उसके कुछ लीक्स आ गए हैं वेबसाइट पे, उसका जो फोटोज मुझे मिला है लीक से वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों आप स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पे, दोस्तों इसमें आपको 6.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, 2960x1440 का डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, 6.2 इंच का है, बहुत ही बढ़िया है, कर्व ग्लास है दोस्तों आपको पता ही होगा। और सैमसंग की तो बात ही क्या कहें दोस्तों, डिस्प्ले तो बहुत बढ़िया पहले से ही है, आपको पता ही है, सबको पता है। चलिए प्रोसेसर के ऊपर चलते हैं। प्रोसेसर जो है दोस्तों वो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 835 का
और दोस्तों ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा आपको, रैम आपको मिलेगा 4GB का, इसका जो इंटरनल स्टोरेज होगा दोस्तों वो होगा 64GB का। इसके कैमरे के बारे में दोस्तों अभी तक कोई लीक आया नहीं है, लेकिन इसमें आयरिस सेंसर होगा, मतलब आपके आयरिस से सेंस करके ये आपके फोन को अनलॉक करेगा। और दोस्तों इसमें जो है असिस्टेंट है प्री इंस्टॉल्ड, आपके गूगल असिस्टेंट आपको मिलता है दोस्तों। और तो और दोस्तों इसका जो सबसे मतलब अच्छा चीज जो लगता है मुझे सैमसंग के फोन का वो है प्राइस, इतना ज्यादा होता है कि दोस्तों कि हम जैसे लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S8 का जो प्राइस है वो होता है दोस्तों 58,000 का, और दोस्तों S8 प्लस का प्राइस है दोस्तों 65,000। तो दोस्तों प्राइस सुनकर दोस्तों क्या करें, अब मूड खराब होता है प्राइस सुन के, तो ऐसा लगता है चले फोन ले लेते हैं, लेकिन प्राइस देख के दोस्तों फिर नहीं ले सकते फोन क्या करें। लेकिन अगर आपका बजट है उतना तो आप ये फोन ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फोन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फोन है। और ये आपको 3 वेरिएंट में मिलता है दोस्तों, 3 वेरिएंट है आपका ब्लैक स्काई, आपका ओपीएम ग्रे और आर्टिक सिल्वर। दोस्तों ये जैसे लॉन्च होते हैं तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है मार्केट में, कितने लोग खरीदते हैं कितने लोग नहीं खरीदते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आखिर सैमसंग के S8 और S8 प्लस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर वापस आऊंगा टेक टॉक का एपिसोड 3 लेके, और ऐसे ही आपको न्यूज अपडेट्स गैजेट्स के बारे में और टेक के बारे में देता रहूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस पहुंचे आपके पास सबसे पहले। और हाँ दोस्तों मैंने एक गिव अवे का वीडियो बनाया है जो कि सोनी साइबर शॉट W530 का गिव अवे है, तो आप जाइए उस वीडियो पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, उस वीडियो को देखिए और पार्टिसिपेट कीजिए गिव अवे में। मैं 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद गिव अवे करूंगा, जल्दी से दोस्तों 500 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए ताकि मैं गिव अवे कर सकूं। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और चलिए अभी मैं चलता हूँ, अलविदा एंड जय हिंद।